आज का हमारा लेसन है दमाइस मिनेंस, मतलब चूहों ने जो उधम मचा रखा था। वंस द रॉयल कोर्ट ऑफ राजा कृष्णदेव राय वॉज विजिटेड बाय द फार्मर्स ऑफ विजयनगर। एक दिन राजा के दरबार में फार्मर्स आए, किसान आए विजयनगर के। दे कंप्लेंड दैट द ग्रेन्स वर गेटिंग डैमेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ माइस इन द किंगडम। तो उनके जो अनाज है ना, ग्रेन्स मतलब अनाज, गेहूँ चावल ये सब खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है चूहों की वजह से, क्योंकि किंगडम में यानी उसके राज्य में चूहे जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। द राज पुरोहित सजेस्टेड डैट एन ऑर्डर शुड बी इशूड दैट एवरी हाउस इन द किंगडम शुड रेज अ कैट। तो राज पुरोहित ने राजा को ये सलाह दी, सजेस्टेड मतलब सलाह देना, कि राजा एक ऑर्डर पास करे जिसमें हर घर में, जो उसका राज्य है किंगडम है साम्राज्य, हर घर में एक कैट हो, मतलब हर कोई घर में लोग एक कैट को पाले। दिस वुड रिस्ट्रिक्ट द माइस फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड। इससे जो चूहे हैं, माइस जो है वो माउस का प्लूरल है, चूहे जो है वो खेतों में नहीं जा पाएंगे। ही ऑल्सो एडेड दैट एवरी कोर्टियर शुड बी गिवन अ काओ हु वुड सप्लाई मिल्क फॉर दीज कैट्स। और ये भी कहा कि जो कोर्टियर्स हैं ना दरबारी, उनको एक गाय दे दी जाए, ताकि जो कोर्टियर्स हैं वो इन लोगों को कैट्स के लिए दूध दें। राजपुरोहित वॉन्टेड टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द किंग। तो राजपुरोहित चाहता था कि उसका इम्प्रेशन राजा पे बहुत अच्छा पड़े। मोर ओवर ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द लेफ्ट ओवर काउज मिल्क। और इसके अलावा वो ये भी फायदा भी लेना चाहता था कि जो उसके घर में काओ का मिल्क बच जाएगा लोगों को देने के बाद, वो उसके यूज में आ जाए, उसको फायदा हो उसका। अदर एवरीशियस कर्टियर्स, एवरीशियस मतलब होता है ग्रीडी, कर्टियर्स ऑल्सो सपोर्टेड हिज एडवाइस। उसने भी इसके राजपुरोहित को के साथ कहा कि एग्री हो गए वो उस बात से। सो द किंग एग्रीड, और राजा भी फिर इस बात के लिए तैयार हो गया। तेनालीरामन हाउएवर वॉज द मैन ऑफ एक्शन। तेनालीराम जो था वो था काम करने वाला, नॉट फॉर वर्ड्स, सिर्फ बोलने वाला नहीं था तेनालीराम, काम करने वाला था। विद अ प्लान टू कैच माइस ही स्टार्टेड सर्विंग हिज कैट विद हॉट मिल्क। अब उसने क्या किया कि अब उसे तो चूहे पकड़ने थे, तो वो बिल्ली को ना गरम गरम दूध पिलाता था। दिस बर्न्स कैट माउथ। अब इससे क्या हुआ, बिल्ली का मुंह जल गया, इट रिफ्यूज टू हैव मिल्क एनी मोर, और उसने उसके आगे फिर दूध लेने से मना कर दिया। विद इन अ मंथ इट ग्रू वेरी फीबल इन कंपेरिजन विद द कैट्स ऑफ अदर कोर्टियर्स। अब जो तेनालीराम की बिल्ली थी ना, वो फीबल मतलब बहुत कमजोर, वीक हो गई, जबकि दूसरे कोर्टियर्स की जो बिल्ली थी वो बहुत अच्छी थी। राजा कृष्णदेव राय केम टू नो अबाउट तेनालीरामन्स वीक कैट। अब राजा राम मोहन राय ने जानना चाहा कि भाई तुम्हारी बिल्ली, तेनालीराम की बिल्ली इतनी कमजोर क्यों है। ही वेंट टू तेनालीराम्स हाउस, वो तेनालीराम के घर गए, एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस, और इस बात के लिए उनको डांट लगाई। स्कोल्डेड मतलब डांट लगाना, कि तुमने बिल्ली का ध्यान नहीं रखा, बिल्ली को नेग्लेक्ट किया है। टू दिस, इस पे तेनालीरामा रिप्लाइड, तेनालीराम ने क्या जवाब दिया, योर मैजेस्टी डू यू नो दैट माई हाउस हैज नो माइस एज कम्पेयर टू द हाउसेज विद वेल फेड कैट्स। मेरे घर में कोई भी चूहे नहीं है, अगर आप दूसरे घरों से कंपेयर करो जहाँ पे बिल्लियों को अच्छे से खाना दिया जाता है। आई गिव अवे द मिल्क टू द पीपल इन नीड। तो जो दूध है वो जो लोग जिनको जरूरत है मैं उनको दे देता हूँ। सो माई कैट हैज टू फिल इट स्टमक बाई कैचिंग माइस, और मेरी बिल्ली जो है उसको अपना पेट भरना पड़ता है चूहे पकड़ के। थस इट हैज बिकम सो वीक, इसलिए वो इतनी कमजोर हो गई है। ही फर्दर एडिड दैट द पुरोहित एडवाइस वॉज अ फैबुलस। उसने फर्दर और कहा कि भाई पुरोहित का आइडिया तो बहुत अच्छा है। ही देन सेड हैड आई बीन फीडिंग माई कैट विद काउज मिल्क इट वुड नेवर हैव कॉट द माइस विद अ फुल स्टमक। तो कहता है अगर मैं अपनी बिल्ली को भी काओ का दूध दे दूंगा पीने को, तो उसका वो कभी भी चूहों को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसका पेट तो हमेशा भरा हुआ ही होगा, भाई भूख लगेगी तभी पकड़ेगी ना वो। सिमिलरली कोर्टियर्स विद फ्री काओ मिल्क विल नॉट टॉयल टू अर्न मनी। और जो कोर्टियर्स जिनको फ्री में गाय का दूध मिल रहा है, तो वो उससे पैसे नहीं कमा सकते। टॉयल मतलब अर्न ही होता है, कि वो इसको इस काम में नहीं ले सकते। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, राजा को सब बात समझ में आ गई। एंड ऑर्डर्ड एवरी वन टू रिटर्न द काओ, और उसने कहा कि सबको कहा कि काओ तुम वापस कर दो। वेरी सून द फार्मर्स ऑल्सो गेट रिड ऑफ द माइस,
और जल्दी ही पूरे फार्मर्स को भी चूहों से छुटकारा मिल गया। गॉट रिड ऑफ मतलब छुटकारा मिलना।